ऐसे ही खावे हैं। गरम मिल गई राजे? बिल्कुल। तो भाई अब खाने का टाइम हो गया था और जानवरों की आवाज कम हो गई थी, तो सोचा बाहर आके रोटियों का सहारा बना दिया जाए। तो हमारे मुकेश भाई साहब हैं, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है आने का। आजो जी, है आजो गले वाली खाओ। आपको होटल तो चलनते रहे आपने नाम मिर्च के नहीं। सब्जी कैसी बनी है भाई? बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। काको देखो तो, ये देखो भाई हमारी सब्जी। और ये गरम गरम रोटी चल रही है चूल्हे की। ये चूल्हे की नहीं, ये लकड़ी की रोटी है। चूल्हे से भी बेहतर होती है क्योंकि कोयले की सिकाई जो है वो ज्यादा बेहतर रहती है। क्यों भाई साहब? मुकेश भाई साहब, हाँ बिल्कुल, कोयले पे अच्छा बनती है रोटी। हाँ, ये सुरेंद्र भाई ने सब्जी और हमारे मुकेश भाई ने सब्जी बनाई है, तो ये एक्सपीरियंस अलग ही है भाई। अंधेरे की वजह से आपको इतना कुछ दिखा नहीं पा रहे, सुबह आपको दिखने का नजारा यहाँ से मिलेगा। 6 बजे रेडी रहना, सुबह 6 बजे से हमारी कार्रवाई स्टार्ट है। अब 2:30 तो बजी गए हैं भाई, 6 बजे नहीं उठे जाएगा, आराम से उठेंगे। ठीक है जी, 8 बजे उठेंगे और फिर उसके बाद आगे की जर्नी भी आपको दिखा देंगे, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं। सुरेंद्र से एक ले आगे भाई, इधर आजो। एक रोटी बाहर की तरफ, ठंड बहुत है लेकिन आग की वजह से, आग की वजह से अब ये देखिए रोटी ऐसी करारी करारी हो जाएंगी जिसका मजा ही अलग आएगा। क्यों राजेश जी? बिल्कुल मजा आ रहा खाने में? बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, टेस्टी टेस्टी। ठीक है भाइयों, आगे का अच्छा, तो ये एक एंजॉय अलग है और आपको कल दिखाते हैं बाकी का, आगे का सफर भी रहेगा और आगे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे हैं, सारी चीज कल आपको बताएंगे। कमेंट्स में बताइएगा जो चीज आपको अच्छी लगे, तो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बन रही है उसकी, वीडियो कॉल कर।